अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील वड़ाइच और एक दफ़ा से फिर मैं आपको अपने चैनल पे एक नई ट्रैवल सीरीज़ में वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो आपको मेरे बैठे हुए गले के साथ थोड़ा सा गुजारा करना पड़ेगा। जब रात को घर से निकला हूं तो बिल्कुल ठीक था, रास्ते में कोई पता नहीं क्या खाया जिसकी वजह से ये गला बैठ गया। दूसरा काल से मुसलसल बारिश हो रही है तो बारिश में कुछ ज़्यादा कैप्चर भी नहीं कर पा रहा, तो इस दफ़ा जो प्लान है वो स्कर्दू वाली साइड पे जाने का है। तो पहली रात जो है वो हम तगान के किसी एरिया में स्टे करेंगे। तो सफ़र शुरू करते हैं अभी और मैं रास्ते में जितना मुमकिन हो सका आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और आपको रास्ते भी दिखाऊंगा। जैसे ही हम बालाकोट पहुंचे तो सुबह 6 बजे बारिश जो है वो शुरू हो गई और फिर सारे रास्ते बारिश जो है हमारे साथ साथ रही। हमने सोचा कि चलें पहला दिन जो है वो शरान फॉरेस्ट में गुजारते हैं। शरान फॉरेस्ट जो है ये कागान वैली का एक बहुत ही पुरसकून और बहुत ही अच्छा मकाम है जहाँ पे आप जो है स्टे कर सकते हैं। लेकिन बारिश हो रही थी, इसका ट्रैक कच्चा है, ऑफ रोड है, पथरीला है, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा था, डिसीजन करने में देरी हो रही थी कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि चले हम कोशिश करते हैं शरान जाने की। शरान फॉरेस्ट का जो रास्ता है वो कागान का एक शहर है छोटा सा पारस, पारस से इसके लिए 2 रास्ते निकलते हैं और दोनों जो हैं वो शहर के नज़दीक हैं। एक रास्ता जो है ये गो का पेट्रोल पंप है, इसकी बिल्कुल लेफ्ट साइड से रास्ता निकलता है। इस्लामाबाद से शरान फॉरेस्ट का फासला तकरीबन 250 किलोमीटर और पारस से इसका फासला तकरीबन 16 किलोमीटर है। ओह नो, ये क्या हो गया, लगता है लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद है और हमें दूसरा रास्ता जो है वो लेना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता जो है इस पेट्रोल पंप से तकरीबन 1/2 किलोमीटर आगे जाएं तो वो भी लेफ़्ट साइड पे रास्ता मुड़ता है और वो लकड़ी वाला पुल पार करके तो आप इस ट्रैक पे जो है वो सफ़र शुरू कर सकते हैं। हमारा ये सफ़र गुजरात से शुरू हुआ और हम इस्लामाबाद मानसेरा से होते हुए बालाकोट और फिर कागान वैली में पहुँचे। ये ट्रैक जो है वो शुरू से ही बड़ी चढ़ाइयों वाला है और बारिश के अंदर तो जब इस तरह का रास्ता हो वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, लेकिन हमने कोशिश करके इसका ट्रैक जो है वो स्टार्ट कर दिया। बारिश मुसलसल बरस रही थी आहिस्ता आहिस्ता और हमारा सफ़र जो था वो जारी था। जहाँ बारिश की वजह से ट्रैवलिंग के अंदर मुश्किलात पेश आती हैं, वहीं इस बारिश की वजह से इर्द गिर्द के जो व्यूज़ हैं और जो नज़ारे हैं वो पहले की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। इस ट्रैक से पारस सिटी के जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो भी देखने को मिलते हैं और एक दफ़ा तो बंदा हैरान रह जाता है कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत जो है वो दुनिया बसाई है। हमारा ट्रैक जो है वो तकरीबन 1/2 से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका था तो हमारे साथ जो दूसरा बाइक था उसके अगले टायर में हवा काम होना शुरू हो गई, तो हमने एक दफ़ा, हमारे पास हवा वाला पंप मौजूद था, उससे हवा भरी और फिर दोबारा से ट्रैक शुरू किया। लेकिन क्या था कि टायर बार बार हवा जो है वो काम कर रहा था। अब यहाँ पे बारिश भी थी, परेशानी बढ़ गई
पेंचर का सामान तो मौजूद था, लेकिन इस तरह के माहौल में पेंचर लगाना थोड़ा मुश्किल काम था, तो हमने दोबारा हवा बढ़ी और अब फैसला किया कि हम वापस नीचे चलते हैं और फिर दोबारा कल कोशिश करेंगे ट्रैक करने की। बारिश से बचने के लिए हमारे पास तमाम तर सामान मौजूद था, लेकिन चूँकि मुसलसल बारिश बरस रही थी तो इसमें ट्रैवल करना बाइक पे खासा मुश्किल होता है। आपने देखा कि कैमरे के आगे भी बार बार पानी के कतरे गिर रहे थे, जिससे वीडियो बनाने में भी मसला हो रहा था। में हम टोटल चार दोस्त थे और हमारे पास दो सुजुकी 150 बाइक्स थी। पहाड़ी इलाकों में 150 बाइक जो सुजुकी है उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के मैं दोबारा शरान फॉरेस्ट वाले ट्रैक पे आया ताकि आपके लिए शरान फॉरेस्ट की कुछ वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह बना सकूं। हमने दूसरे दिन आगे बाबूसर टॉप की तरफ जो है वो मूव करना था, इस वजह से टाइम कम था, तो मैं आपको सिर्फ वीडियो के एंड पे शरान फॉरेस्ट के चंद व्यूज़ दिखाता हूँ और इसके बाद इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, जिसमें मैं आपको इंशाल्लाह बाबूसर टॉप और उसके साथ साथ लुलूसर झील, नरान का बाज़ार और कगान वैली जो है वो दिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।